हाय फैम, आई एम शेली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज, उसके अलग अलग लिंक्स देने की जगह मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। आप उसे खोलोगे तो आपके पास इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ मेरे वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हॉल में दिखाने वाली हूँ, प्लस वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। आपको यहाँ दिख जाएंगे सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, पार्टी वेयर कुर्ताज फ्रॉम W, ऑरेलिया एंड बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ, जो अमेजॉन प्राइम के हैं, जिनकी रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। प्लस सबसे अच्छी बात यह है, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। यहां आपको देखने को मिल जाएगा मेरा फेवरेट मेकअप, स्किन केयर, अफोर्डेबल कुर्ताज, पार्टी वेयर और ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग लिंक्स नहीं, आज सिर्फ एक ही लिंक दी है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला कुर्ता, ये तो यार मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कुर्ता है। इतना ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको दो कलर्स मिल जाएंगे इस कुर्ता में। एंड इसका जो फैब्रिक है, ये है कॉटन, जो कि इसको परफेक्ट बनाता है समर्स के लिए। दिस इज़ परफेक्ट फॉर कॉलेज, फॉर कैजुअल आउटिंग और फॉर एवरी डे। तो ये इस तरह से दिखता है। नेक पे इस तरह से छोटा सा बटन लगा हुआ है। इसकी स्लीव्स है 3/4 इस तरह से, पूरे इसमें प्रिंट हुआ हुआ है आगे और पीछे। एंड साइड्स में आपको मिल जाएंगी स्लिट, जो इसको परफेक्ट बनाता है और ज़्यादा कंफर्टेबल इसको बनाता है। और ये प्रिंट आगे और पीछे दोनों तरफ है। तो अगर आप समर्स के लिए अच्छा सा कलरफुल अफोर्डेबल रेंज में कुर्ता ढूंढ रहे हैं, तो जस्ट गो फॉर इट। आप इसको प्लाजो पैंट्स के साथ, लेगिंग्स, जेगिंग किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो हाँ, चलिए वेयर करके देख लेते हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारा कुर्ता है ना, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसमें पूरे इस पे ग्लिटर एंड एम्बेलिशमेंट्स का काम हुआ हुआ है और मैंने इसको स्टाइल करा है ब्लू कलर की लेगिंग्स एंड ब्लू कलर के दुपट्टा के साथ। और अभी लाइक यार, ये जस्ट अभी डिलीवर हुआ है तो एक क्रश था, बिल्कुल भी प्रेस नहीं है। प्रेस करके बहुत अच्छी फिनिश आएगी। तो चलिए मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। और इस तरह का जो है प्रिंट है पूरे कुर्ते के ऊपर, जो कि काफी अच्छा लग रहा है मुझे। बेसिक व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। ओके, देन जो नेक्स्ट कुर्ता है ना, ये तो यार मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कुर्ता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। दिस इज़ एन एमरल्ड ग्रीन कलर कुर्ता और पूरे इसमें मल्टी कलर्ड प्रिंट हुआ हुआ है और नेक पे एक टैसल भी लगा हुआ है। तो यार ऐसे कलर्स ना समर्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत कुर्ता है यार। अगर आप, मतलब मुझे लगता है इसको कलर के लिए ज़रूर लेना चाहिए, इतना प्यारा कुर्ता है। आप इसको स्टाइल कर सकते हैं पर्पल कलर की लेगिंग्स या फिर प्लाजो पैंट्स के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और अगर आपको मल्टी कलर्ड पसंद है ना, तो ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। एंड सबसे अच्छी बात है, मैं इसमें मोटी भी नहीं लग रही, इसको वेयर करके ना मैं एक्चुअली स्लिम लग रही हूँ। तो मुझे इसका प्रिंट, इसका कलर सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। ये वेयर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और पीछे की तरफ कोई प्रिंट नहीं है। ठीक है, एंड देन जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मेकअप का। ये परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए। अगर आपको मेकअप करना नहीं आता, आई मेकअप करना नहीं आता, आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, देन जस्ट गो फॉर लिक्विड आई शैडोज। आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल इसको आईज पे लगाओ एंड यूर गुड टू गो। कोई ब्लेंडिंग नहीं चाहिए। दीज आर अ क्रीम आई शैडोज, लिक्विड आई शैडोज, बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी है, बहुत ईजिली काम हो जाता है इनसे। एंड सबसे अच्छी बात, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं और स्मच प्रूफ है, बिल्कुल अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। तो ये बहुत ही प्यारे, जस्ट लुक एट द शेड,
ये है शेड नंबर 02 डायमंड डस्ट। ये मेरा फेवरेट 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 शेड है। मुझे बेसिकली इसमें 6 शेड्स आते हैं। आप चाहे तो पैक ले लें, आप चाहे तो सिंगल सिंगल ले लें, आपकी मर्जी है। दिस इज शेड नंबर 03 शैम्पेन कलर। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन शैम्पेन काइंड ऑफ अ कलर और सारे ही बहुत ग्लिटरी है, बहुत ज्यादा अच्छे। अगर आप मेकअप लवर है ना, आपके पास ये होने ही चाहिए लिक्विड आई शार हो, क्योंकि स्टेला के तो इतने महंगे आते हैं, 2500 का एक आता है, हम सब तो ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। दे जस्ट गो फॉर दीज वंस। एंड आप पूछोगे ना कि सारी रेंज में कोई एक शेड होता है जो बड़ा ही बेकार होता है, तो वो है अभी जो मैंने आपको दिखाया गोल्डन, जो कि सबसे पहले लगा हुआ है। गोल्ड शेड जो है 01 सबसे बेकार है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत पैची है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गोल्ड के अलावा सारे शेड्स जो हैं इस रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। देन दिस इज 05 रोज गोल्ड शेड है। इट इज़ अ बेसिकली डीप पिंक रोज गोल्ड काइंड ऑफ अ कलर। सारे शेड्स बहुत अच्छे एक्सेप्ट फॉर दैट फर्स्ट वन जो फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है 01 गोल्ड। मुझे वो गोल्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। बाकी सारे शेड्स बहुत ही कमाल के हैं, जस्ट गो फॉर इट, यू लव इट और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो इस तरह से जो है इसकी स्वॉचेज है। देन है ये हमारा कुर्ता। दिस इज़ बाय द ब्रांड बीबा। बहुत प्यारा कुर्ता है, बहुत खूबसूरत इसका कलर है, बहुत ही अच्छा इसमें गोल्डन फॉयल प्रिंट का काम हुआ हुआ है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैं ये बोलूँगी कि यार ये ना साइज़ की इशू है। मैं लार्ज वेयर करती हूँ, लार्ज मुझे इसमें इतना ज़्यादा बड़ा रहना लगा। मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी ना, अभी इतना ज़्यादा बड़ा आ रहा है मुझे, इसमें स्मॉल परफेक्ट आएगा। इसका काम बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, ये परफेक्ट है हल्दी फंक्शन के लिए या फिर एज अ वेडिंग गेस्ट के लिए। कलर भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा हुआ है, स्लीव से भी बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन साइजिंग इशू है। जस्ट गो फॉर अ साइज स्मॉलर इन इट, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, लार्ज तो मुझे इतना ज्यादा बड़ा आ रहा है ना, मुझे स्मॉल आएगा, तो मैं बोलूंगी दो साइज स्मॉल लीजिए आप। चलिए मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। और पीछे कोई प्रिंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ प्रिंट है, ठीक है। ओके देन है ये बेसिक ऑफ वाइट कुर्ता। आप इसको अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हैं, आप इसको पेयर कर लीजिए कलरफुल प्लाजो एंड कलरफुल दुपट्टा के साथ, एंड यू गुड टू गो। आप हर किसी के पास मुझे लगता है एक बेसिक ऑफ वाइट विद सम गोल्ड सॉर्ट ऑफ अ वर्क ऑन इट, इस तरह का कुर्ता होना चाहिए, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने में। एंड मैंने इसको स्टाइल करा है पिंक कलर की प्लाजो, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, एंड मैंने इसको स्टाइल करा है पिंक कलर के दुपट्टे के साथ। तो हाँ चलिए देख लेते हैं। एंड देन जो मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना, ये तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। कि मैं पहले एक बार हॉल में शेयर कर चुकी हूँ लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, अभी अमेजोन पे इन स्टॉक आया है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे है। मैंने 1500 का लिया था, अभी आपको 1300 कुछ का मिल जाएगा। और मैंने इसमें आपको आपको पता होगा मैंने इसको वेडिंग्स वगैरह में वेयर किया था, मैंने पिक्चर शेयर की थी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे, एंड काफी लोग आप में से पूछ रहे थे कहाँ से लिया है। तो ये मैंने लिया है अमेजोन से, एंड बहुत इसका फैब्रिक है सिल्क और यार इतना प्यारा, आपको प्रिंसेस फीलिंग देने के ना बहुत अच्छा है। वेडिंग्स वगैरह में अगर आपको लाइट वेट एंड एलिगेंट कपड़े पहनना पसंद आता है तो ये आप ये वाला आप चूज कर सकते हैं। कट स्लीव्स है लेकिन ऊपर जो है अटैच दुपट्टा इस तरह का गिवन है, तो कट स्लीव्स अगर आप नहीं पहनते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा फ्लैरी, बहुत खूबसूरत और बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत एयरी है। चलिए वेयर करके दिखा देती हूँ आपको। देन है इसमें ये ब्लू कलर। यार ये दोनों ही कलर इतने अच्छे हैं, पहले मैंने एक्चुअली सिर्फ पिंक मंगवाया था पर मुझे पिंक इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा चलिए ब्लू भी मंगवा लेते हैं। देन मैंने इसको भी वेयरिंग में वेयर किया था, इसकी भी आपके इमेजेस शेयर की थी, आप लोगों को काफी अच्छा लगा था। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत एयरी है, एंड सबसे अच्छी बात इसका फ्लेयर इतना ज्यादा अच्छा है ना, दोनों ही कलर्स बहुत अच्छे हैं। एंड इसमें एक डार्क ग्रीन कलर भी है, आप वो भी चूज कर सकते हैं, पर मुझे ब्लू एंड पिंक सबसे ज्यादा अच्छे लगे तो मैंने यही वाले लिए हैं।
ओके देन है ये वाला कुर्ता, ये तो यार मैं हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। ये भी मैं आपके साथ एक बार हॉल में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी अमेजोन पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, आप अभी चेक करोगे ना मिंत्रा पे भी 800 समथिंग का है, अमेजोन पे 600 कुछ का आपको मिल रहा है। यार इसका फ्लेयर इतना ज्यादा खूबसूरत है, दिस इज परफेक्ट फॉर कॉलेज, फॉर एवरी डे, फॉर कैजुअल आउटिंग। दिस इज बेसिकली एन इंडियन ड्रेस, एन इंडियन एथनिक मैक्सी ड्रेस। इसके नीचे आपको लेगिंग्स या कुछ भी वेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी हाइट 5'2" से लेके 5'3", 5'4", 5'5" तक है तो आप इसको नॉर्मल ड्रेस की तरह वेयर कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5'5" से लंबी है, लाइक मुझसे लंबी है, तो आपको डेफिनेटली इसके नीचे लेगिंग्स वगैरह वेयर करनी पड़ेगी। और इसका फ्लेयर इतना अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रिल्स वाला काम हुआ हुआ है इसके हैंड्स पे एंड सबसे नीचे बॉटम में। और यार ये इतना लाइक जब हम इसको वेयर करते हैं ना, बहुत ही अच्छा अच्छा से इसका फ्लेयर दिखता है और बहुत कंफर्टेबल है यार। इसका स्टफ है प्योर कॉटन जो इसको परफेक्ट बनाते हैं समर्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड ये कुर्ता हो गया मुझे लिए हुए, 1 month हो गया है, मैंने इसको वॉश वगैरह करके देखा, बिल्कुल कलर नहीं निकला है। मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा है, चलिए मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। दिस इज रियली वन ऑफ माई फेवरेट कुर्ता एंड गेरुआ ब्रांड का है, यू कैन ट्रस्ट इट। और इतने अफोर्डेबल रेंज में इतना अच्छा कुर्ता मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। एंड देन अगेन है एक मेकअप प्रोडक्ट, ये है स्विस ब्यूटी की आई शैडो पैलेट। कैन यू इमेजिन 32 कलर्स की आई शैडो पैलेट आपको मिल रही है सिर्फ 300 रुपीज में। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग इतनी कमाल की, इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल दिखने वाली पैकेजिंग है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा मिरर एंड आपको मिलते हैं 32 कलर्स आई शैडोज। कैन यू इमेजिन 300 रुपीज में। वैसे तो ये महंगी पैलेट है बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप एक अच्छी पैलेट ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल की रेंज में, आपका बजट ज्यादा नहीं है, देन जस्ट गो फॉर इट। एंड आपको लगता है कि ये सारे कलर्स के अलावा आपको और कोई कलर्स लगने वाले हैं आई मेकअप के लिए? नहीं लगने वाले यार, इतना अच्छा ये पूरा पैलेट है। दिस इज अ कंप्लीट पैलेट फॉर बिगिनर्स। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कम पैसों में एक अच्छी पैलेट चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं इस पैलेट की, ये है कि ये 1 swipe पिगमेंटेशन है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता, बिल्कुल ही फॉल आउट नहीं है, तो ये अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, पिगमेंटेशन तो कमाल की है ये, और आपको फुल साइज मिरर मिल रहा है लाइक 300 रुपीज में, हम और क्या एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप एक अच्छी पैलेट लेना चाहते हो देन जस्ट गो फॉर इट। एंड डिस्काउंट हमेशा नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो अगर आप लेना चाहते हो देन जस्ट गो फॉर इट। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़े से स्वॉचेस के, 32 कलर्स है, सबके स्वॉचेस तो नहीं दिखा पाऊंगी, पर कुछ एक कलर्स की जो है स्वॉचेस मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको पिगमेंटेशन का अंदाजा हो जाएगा, और सबके स्वॉचेस दिखाऊंगी एंड डिटेल रिव्यू करूंगी, तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर इस पैलेट को यूज करके बहुत सारे मेकअप लुक जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड लुक एट द पिगमेंटेशन, 1 swipe पिगमेंटेशन कितनी कमाल की, एंड आई एम नॉट इवन प्रेसिंग हार्ड टू गेट दैट पिगमेंटेशन, मैं बहुत लाइटली प्रेस कर रही हूँ और पिगमेंटेशन आपके सामने ही है। और आप देख रहे हो बिल्कुल भी चौकी नहीं है, बिल्कुल भी कोई फॉल आउट नहीं हो रहा, मुझे बहुत अच्छे लगे यार। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्विस ब्यूटी इतना ज़्यादा अच्छा निकलेगा। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई अश्योर यू कि आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करने वाले हो ये पैलेट लेके। एंड इसमें 2 variants आते हैं, ये वाला एंड एक न्यूड्स वाला, ये मल्टी कलर्ड पैलेट है। एक और आती है न्यूड, जिसमें आपको बेसिकली गोल्ड, ब्रॉन्ज, ब्राउन शेड मिल जाएंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये वाला कुर्ता एक्चुअली मैंने आपके साथ पहले हॉल में शेयर किया था, और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार जब ये ऑनलाइन आए तो एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और आप में से काफी लोगों ने बोला था कि जब आए तो आप प्लीज नोटिफाई कर देना हमें। तो मैंने कहा चलिए अभी इसमें कुछ साइजेस बचे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें ब्लू एंड पिंक दोनों ही साइजेस हैं, इसका फैब्रिक है चंदेरी सिल्क, बहुत ही इसमें एम्ब्रॉयडरी से काम हुआ है, थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई है, कोई भी प्रिंट नहीं है, एंड नीचे की तरफ गोल्ड फिनिश का ये काम हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे चेस्ट एरिया पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और नीचे इस तरह का गोल्ड एंड ऑरेंज कलर का काम हुआ है, और पीछे कोई प्रिंट नहीं है चेस्ट एरिया पे, और नीचे की तरफ पूरा काम।
ये कुर्ता परफेक्ट है पार्टी वेयर के लिए एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है और इसको मैंने काफ़ी बार वेयर किया। लाइक मैंने तो इसको लास्ट ईयर दिवाली पे लिया था, मैंने काफ़ी इसको वॉश भी किया है और इसका प्रिंट जो है कहीं नहीं गया है। और इसके नीचे लाइक लेयर है जिससे आपको लगेगा जैसे कि आपने इसके नीचे स्कर्ट वेयर करी हुई है, तो ये बहुत अच्छा, आपको इसके नीचे लेगिंग्स वगैरह वेयर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट सो परफेक्ट। मैंने जब भी आपके साथ इसकी इमेजेस शेयर की हैं वेयर करके, लाइक मैंने इसको वेडिंग वगैरह में वेयर किया था, तो आप सबने पूछा था ये कहाँ से लिया है। तो इसमें एक ब्लू कलर भी है, वो भी इतना ही खूबसूरत है जितना ही पिंक कलर है, आप वो वाला भी ले सकते हैं। और अमेजोन पे इसकी रिव्यूज देखोगे ना, वहाँ पे भी सब लोगों ने इसकी तारीफ ही की हुई है। तो जस्ट गो फॉर इट अगर आपको आपका साइज मिल जाता है तो। ओके देन है ये वाला एक वेलवेट टॉप। अगर आपको वेलवेट टॉप्स अच्छे लगते हैं तो आपको ये वाला अच्छा लगने वाला है। इसमें दो कलर्स है, ब्लू एंड पिंक, एंड एक्चुअली मेरी सिस्टर का है, मेरा नहीं है, तो ये साइज़ मुझे नहीं आएगा, तो ये मैं आपको वेयर करके तो नहीं दिखा सकती। पर यार इसका फैब्रिक लाइक मक्खन, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और पूरे इसमें एम्बेलिशमेंट्स लगी हुई हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि हम लोग इसको 2-3 बार वॉश कर चुके थे, कोई एम्बेलिशमेंट्स कहीं इधर से उधर भी नहीं गई है। तो ये परफेक्ट लगने वाला है कॉलेज कैजुअल आउटिंग के लिए, जीन्स वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन अगर आप स्लिम हैं तो ही सिर्फ इसके लिए जाइए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी फ्लैब है टमी वगैरह पे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा आप पे। देन लास्ट प्रोडक्ट है ये प्लाजो पैंट्स। मुझे आखिर एक पिंक कलर की प्लाजो पैंट्स लेनी थी, तो ये मुझे अफोर्डेबल भी लगी एंड काफ़ी अच्छी लगी। इसमें बहुत ही प्यारा गोल्ड प्रिंट हुआ हुआ है, गोल्ड फॉइल प्रिंट हुआ हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड इस तरह से जो है डोरी इसमें लगी हुई है जिसमें छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं। और आप इसको अभी जो मैंने आपको व्हाइट कुर्ता वेयर करके दिखाया था ऑरेलिया के साथ, उसके साथ जो मैंने प्लाजो वेयर की हुई थी वो यही वाली थी। तो ये बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत अफोर्डेबल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ कल आपसे अपनी नई वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय।